हाँ स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले रहे हैं, स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले रहे हैं, ऑब्जेक्टिव बुक से कुछ डाटा दे रहा हूँ मैं जो है ना। पहला क्वेश्चन है कि डीप सी में कौन मिलते हैं ज़्यादा गहराई पे, डीप सी में आर्कियो बैक्टीरिया मिलते हैं, आर्कियो बैक्टीरिया आर फाउंड ज़्यादा गहरे पानी में आर्कियो बैक्टीरिया मिलते हैं। इन सोयाबीन क्रॉप, सोयाबीन की खेती में कौन सा बैक्टीरिया मिलता है राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया इज फाउंड इन सोयाबीन क्रॉप, क्यों? तो हम बोलेंगे लेग्यूमिनस प्लांट है, फली वाला पेड़ है तो राइजोबियम तो मिले ही मिलेगा लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर। नोस्टॉक और एनाबीना दोनों मिलते हैं फाउंड इन साइकस जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म होता है जिसमें सीड होते हैं, जिम्नोस्पर्म में सीड होते हैं, बीज होते हैं, फ्रूट नहीं होते, एक साइकस नाम का जिम्नोस्पर्म है उसके अंदर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं साइकस में दोनों, नोस्टॉक और एनाबीना साइकस के किस पार्ट में मिलते हैं, रूट में। रूट भी दो टाइप की होती है साइकस में, एक होती है नीचे जाती है मिट्टी की नीचे की तरफ जाती है उसको नॉर्मल रूट बोलते हैं, और एक हवा में रूट आ जाती है उसको बोलते हैं कोरोलाइड रूट। तो नोस्टॉक एनाबीना कोरोलाइड रूट मिलते हैं साइकस में। चलो अगला क्वेश्चन है, हेट्रोसिस सेल जो मिलती है साइनोबैक्टीरिया की, जो हेट्रोफिस सेल है वो सभी में मिलती है कुछ में मिलती है, ये कुछ साइनोबैक्टीरिया मिलते सिर्फ फाउंड इन सम साइनोबैक्टीरिया, हेट्रोसिस सेल सभी साइनोबैक्टीरिया में नहीं मिलती, कुछ एक में मिलती है। जो क्लोरोबियम में कौन सी फोटोसिंथेसिस होती है, अनऑक्सीजेनिक, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलती है, और ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलती है वो सिर्फ साइनोबैक्टीरिया मिलती है मोनेरा में। यूकेरियोट में तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट में या प्रोटिस्ट में, ऑक्सीजन निकले ही निकलेगी, लेकिन मोनेरा में सिर्फ ऑक्सीजन निकलती है साइनोबैक्टीरिया में, जबकि ये तो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑक्सीजन नहीं निकलेगी इसमें, क्लोरोबियम बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस होगी तो ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, क्लोरोबियम में नहीं निकलेगी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलती है अगर साइनोबैक्टीरिया या कोई प्लांट या प्रोटिस्ट है तो, ये बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन नहीं निकलता, अनऑक्सीजेनिक होती है। और कीमोसिंथेसिस में भी ऑक्सीजन नहीं निकलती बैक्टीरिया में। साइनोबैक्टीरिया अगर बात करूं मैं, इसकी फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा बताओ, हम बोले प्लांट वाली होती है, वही कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है, वही वाटर जुड़ता है, वही ग्लूकोज बनता है, वही ऑक्सीजन निकलती है, प्लांट वाला है। तो ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, वाटर जो है वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अब बताओ साइनोबैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रोफ है, फोटोसिंथेसिस करे उसको फोटो ऑटोट्रोफ बोलते हैं, लेकिन ये फोटो लिथोट्रोफ है या फोटो ऑर्गेनोट्रोफ है, हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक, अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन डोनर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो तो उसको फोटो लिथोट्रोफ बोलते हैं, कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अगर हाइड्रोजन देता कार्बन डाइऑक्साइड को तो फोटो ऑर्गेनोट्रोफ बोलते हैं हम। चलो आगे देखते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिफरेंस कैसे करते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में ये दो बैक्टीरिया होते हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव,
इनको स्टेन रंगीन बनाती है। किस पार्ट के स्टेन होने से पता लगता है ग्राम पॉजिटिव या नेगेटिव है? सेल वॉल, सेल वॉल स्टेन होती है, कलर्ड होती है, तब उससे मालूम पड़ता है बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है। बैक्टीरिया को हम प्लांट क्यों मानते हैं? शुरू में प्लांट किंगडम में रखा हुआ था, क्यों? बैक्टीरियाज वर प्लेस्ड इन प्लांट किंगडम, क्यों? बैक्टीरिया को प्लांट किंगडम में क्यों रखते थे? उसके पिगमेंट की वजह से या सेल वॉल की वजह से? हमारे सेल वॉल की वजह से, प्लांट में भी सेल वॉल होती है, इनमें भी सेल वॉल होती है। चलो अगर हमारे बैक्टीरिया अंदर चला जाए, बैक्टीरिया इन सेल, बैक्टीरिया सेल में चले गए तो सेल के एंजाइम बैक्टीरिया को मारेंगे, बैक्टीरिया अपना कैसे बचाएगा? बैक्टीरिया इन सेल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एंजाइम बाय एस लेयर या स्लाइम लेयर। बैक्टीरिया में सबसे बाहर सेल वाली के बाहर स्लाइम लेयर होती है, एस लेयर होती है, जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेंगे एंजाइम उनसे बचाती है। बैक्टीरिया में कितने जीन होते हैं? 3000 जीन्स आर फाउंड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में 3000 जीन होते हैं। चलो आर्की बैक्टीरिया के अंदर हमारी तरह से हिस्टोन प्रोटीन होती है, बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, ये करेक्टरिस्टिक आर्की बैक्टीरिया पसंद हिस्टोन प्रोटीन। आर्की बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन होती है बैक्टीरिया, ये यूकेरियोट का करेक्टरिस्टिक है, हमारे यूकेरियोट में होती है हिस्टोन प्रोटीन, ये यूकेरियोटिक करेक्टरिस्टिक है। पानी में अगर लैटरिन है, फेसिस है, कैसे पता लगाएंगे? अगर पानी में लैटरिन है या नहीं है कैसे पता लगाएंगे? इकोलाई की वजह से। अगर इकोलाई है वाटर में, इकोलाई इज प्रेजेंट इन वाटर, अगर पानी में इकोलाई है, इफ इकोलाई प्रेजेंट इन वाटर, तो समझ जाना पानी में अगर इकोलाई प्रेजेंट है, देन इफ इकोलाई प्रेजेंट इन वाटर, पानी में इकोलाई है, देन फेसिस इज प्रेजेंट। अरे लैटरिन के अंदर इकोलाई बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होता है, अगर पानी में लैटरिन मिल गया तो इकोलाई जरूर मिलेगा उसमें, अगर इकोलाई पानी में है तो फेसिस मिक्स है, लैटरिन मिक्स हो रखा है, इसलिए इसको इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म फॉर वाटर पोल्यूशन। पानी पॉल्यूटेड है या नहीं है ये इकोलाई बैक्टीरिया से पता लगेगा। जो साइनोबैक्टीरिया में फ्रेगमेंटेशन भी मिलता है जो बैक्टीरिया में नहीं मिलता, साइनोबैक्टीरिया शो फ्रेगमेंटेशन, साइनोबैक्टीरिया फ्रेगमेंटेशन शो करता है विच इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कॉलोनी टुकड़ों में, एक बैक्टीरिया कॉलोनी है, ये कॉलोनी है, ये टुकड़ों में टूट गई, साइनोबैक्टीरिया कॉलोनी है टुकड़ों में टूट गई और हर टुकड़े से वापस बन जाएगी ये कॉलोनी, तो इसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। कोई कॉलोनी टुकड़ों में टूट जाए, टुकड़े से पूरी बॉडी बन जाए तो फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया में फ्रेगमेंटेशन होता है। बैक्टीरिया को नाम किसने दिया था? साइनोबैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है बैक्टीरिया की तरह से, वैसे तो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन तीनों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मानते हैं, लेकिन ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है ये तो। अगर एग्जाम में आ जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता नहीं मिलता, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो मिलता है, लेकिन वो प्रिमिटिव टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पुराने टाइप का। साइनोबैक्टीरिया नाम किसने दिया था?
साइनोबैक्टीरिया नेम वाज गिवन बाई ICNB, साइनोबैक्टीरिया नाम ICNB दिया था। IC का मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। 1950 में नाम दिया था ये साइनोबैक्टीरिया नाम 1950 में दिया है। ये ICBN होता तो इसका मतलब था इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, और बी बाद में आया तो बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर। 1950 में नाम दिया ये जो। साइनोबैक्टीरिया का कलर, साइनोबैक्टीरिया की सेल का कलर या तो ब्लू है या ग्रीन है। साइनोबैक्टीरिया का कलर ब्लू या ग्रीन है, लेकिन हाइड्रोसिस्ट का कलर, ये भी तो साइनोबैक्टीरिया की सेल है, इनका कलर पेल येलो है। इसका मतलब क्या हुआ? हाइड्रोसिस्ट का सेल का कलर पेल येलो है, ये ब्लू ग्रीन, और ये साइनोबैक्टीरिया की सेल, इसका पेल येलो कलर क्यों है? थैलेकोइड की वजह से, थैलेकोइड की वजह से रंग होता है। थैलेकोइड बिखरी होती है हाइड्रोसिस्ट में, थैलेकोइड आर स्कैटर्ड, थैलेकोइड बिखरी हुई है, इसलिए थैलेकोइड अच्छी तरह से अरेंजमेंट नहीं है। अगर अरेंजमेंट होती तो कलर आता ब्लू ग्रीन एल्गी वाला, यूं ही बिखरी हुई हाइड्रोसिस्ट में, इसलिए पेल येलो कलर आएगा हाइड्रोसिस्ट का। ये भी तो साइनोबैक्टीरिया सेल है। साइनोबैक्टीरिया कहाँ मिलते हैं? फ्रेश वाटर में मिलते हैं, सी वाटर में मिलते हैं, ट्री की बार्क के ऊपर भी मिलते हैं, बाइनरी फ्यूजन साइनोबैक्टीरिया मिलता है, मिलता है, लेकिन जो कॉलोनी में नहीं है, जो सेल अकेले मिलती उनमें मिलता है। यूनिसेलुलर फॉर्म जो है अकेली जो मिलती है उसमें मिलता है बाइनरी फ्यूजन साइनोबैक्टीरिया में। सेल वॉल चाहे प्लांट की हो चाहे बैक्टीरिया की हो चाहे साइनोबैक्टीरिया की हो, सेल वॉल किसी की भी हो परमीएबल होती है। परमीएबल का मतलब मेटेरियल, कोई भी मेटेरियल अंदर जाएगा और बाहर आएगा। एक फैमिली होती है ओस्सिलोटोरियासी, इसमें हाइड्रोसिस्ट नहीं होती, इसके साथ साथ एक काइनेट भी नहीं होता, दोनों नहीं होते। साइनोबैक्टीरिया में अल्फा ग्रेन्यूल होते हैं। साइनोबैक्टीरिया में अल्फा ग्रेन्यूल होते हैं, अल्फा के दाने होते हैं, बीटा ग्रेन्यूल भी होते हैं साइनोबैक्टीरिया में। अल्फा ग्रेन्यूल जो होते हैं वो स्टार्च के होते हैं, बीटा वाले लिपिड के होते हैं। एक साइनोबैक्टीरिया पेट में मिलता है, नाम है सिक्टोनिमा। सिक्टोनिमा साइनोबैक्टीरिया है, फाउंड साइनोबैक्टीरिया, सिक्टोनिमा साइनोबैक्टीरिया फाउंड इन, फाउंड ऑन द ट्री बार्क, पेड़ के बाहर का छिलका और बार्क होता है, बार्क में मिलता है। इंटरकैलरी हाइड्रोसिस्ट कहां मिलती है? जो हाइड्रोसिस्ट कॉलोनी के बीच में हो, बीच में हो तो इंटरकैलरी बोलते हैं, किनारे पर ये सेल है साइनोबैक्टीरिया है। यहां हाइड्रोसिस्ट होगी तो बोलेंगे टर्मिनल, बीच में हो तो इंटरकैलरी। इंटरकैलरी जो हाइड्रोसिस्ट है कहां मिलती है? नोस्टोक एनाबिना दोनों मिलती है। नोस्टोक एनाबिना में हाइड्रोसिस्ट सेल बीच में है। ओस्सिलोटोरिया जो है उसमें यू मूवमेंट होता है, किसकी वजह से? ओस्सिलोटोरिया मूवमेंट इज ड्यू टू म्यूसलेज सिक्रेशन, म्यूसलेज निकलता है इसलिए इसका मूवमेंट होता है। सिक्टोनिमा पेड़ की ब्रांच में मिलते हैं, और अकेला ऐसा जिसमें फॉल्स ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग दिखती है बस, होती नहीं है दिखती है, तो फॉल्स ब्रांचिंग मिलती है सिक्टोनिमा में।
फेमस साइनोबैक्टीरिया बताओ जिसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। ओलोसिरा चावलों के खेत में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, इन राइस फील्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ये चावलों के खेत में। और सबसे बढ़िया मोस्ट एफिशिएंट सबसे बढ़िया नाइट्रोजन फिक्सर है ये, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन ओलोसिरा करता है। अगर मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन अब्सेंट इन द सॉइल, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म इसकी कमी को पूरी कर देगा? जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन में, अगर नाइट्रोजन कमी है मिट्टी में तो ये डाल दो, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया हवा की नाइट्रोजन को मिट्टी में डाल देंगे। चलो आगे देखते हैं। इस धरती पर पहली बार ऑक्सीजन किसने छोड़ी थी? फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन किसने रिलीज की थी अर्थ के ऊपर? तो हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया ने, इस धरती पर पहली बार साइनोबैक्टीरिया ने ऑक्सीजन छोड़ी थी। चावलों के खेत में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते साइनोबैक्टीरिया, ये स्टडी की थी आरएन सिंह ने। आरएन सिंह इंडिया का साइंटिस्ट है जिसने नाइट्रोजन फिक्सेशन स्टडी की थी इन राइस फील्ड, चावलों के खेत में नाइट्रोजन फिक्सेशन स्टडी की थी आरएन सिंह ने। माइकोप्लाज्मा नाम किसने दिया था? माइकोप्लाज्मा ट्रम जीवन भाई नोवेक। हाई टेम्परेचर पे, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर, कौन मिलेगा? बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया या आर्किबैक्टीरिया? आर्किबैक्टीरिया। बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया भी हाई टेम्परेचर पे मिलते हैं, लेकिन बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया की बजाय आर्किबैक्टीरिया ज्यादा मिलेगा हाई टेम्परेचर पे। आर्किबैक्टीरिया आर मोर फाउंड, ज्यादा आर्किबैक्टीरिया मिलेंगे देन बैक्टीरिया की बजाय और साइनोबैक्टीरिया की बजाय। ग्राम स्टेन, ग्राम ने दी, ग्राम कहां का था? ग्राम साइंटिस्ट फ्रॉम डेनमार्क, डेनमार्क का साइंटिस्ट था ये जो है। मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म धरती पे कौन से है, जिसका नंबर ज्यादा हुआ सबसे ज्यादा सक्सेसफुल, मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ? तो वो जी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी कौन से? हाइड्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, धरती बैक्टीरिया सबसे ज्यादा मिलता है इस धरती पे, तो वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, लेकिन हाइड्रोट्रॉफ बैक्टीरिया और ज्यादा नंबर में मिलते हैं, ऑटोट्रॉफ तो कम मिलते हैं, तो ये सबसे ज्यादा ये है। अगर मैं बोलूं किसी एरिया को माइक्रो फ्री करना है तो उसको मैंने कहा था ऑटोक्लेविंग द्वारा करते हैं, ऑटोक्लेविंग से ट्रायल बना देते एरिया को। किसी एरिया में अगर बैक्टीरिया वायरस है तो उनको बैक्टीरिया वायरस को मारना, तो ट्रायल बनाना उस एरिया को बैक्टीरिया वायरस से फ्री करना, तो ऑटोक्लेविंग करेंगे। इसमें प्रेशर देते हैं, कितना प्रेशर देते हैं उस एरिया में? हम बोले 15 पौंड, 15 पौंड प्रेशर देंगे तो अपना ऑटोक्लेविंग हो जाएगी। शराब खट्टी क्यों हो जाती है? वाइन टर्न श्योर, तो हम बोलेंगे SOURE, शराब खट्टी क्यों हो जाती है? एनारोबिक बैक्टीरिया से, कुछ बैक्टीरिया होते हैं शराब को रिएक्शन करवा देते हैं वो बैक्टीरिया, इसलिए ये हो जाती है, खट्टी हो जाती है शराब। तीन ऑर्गेनिज्म बताओ जिसमें डीएनए ऐसे किनारा नहीं होता, सर्कुलर डीएनए बोलते हैं जिसमें किनारे ना हो, सर्कुलर डीएनए, और ऐसे डीएनए हो तो उसको बोलते हैं लीनियर डीएनए जिसके दो किनारे हो।
सर्कुलर डीएनए कहाँ कहाँ मिलता है? बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट लिख दो, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जितने भी माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा तो कई जगह लीनियर डीएनए बोलते हैं, वरना नॉर्मली सब प्रोकैरियोट में सर्कुलर डीएनए है। दो ऑर्गेनली है जिनमें सर्कुलर डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। इन तीनों में प्रोकैरियोट और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में क्या सिमिलरिटी है? तीनों में सर्कुलर डीएनए, तीनों में एक चीज और भी है, तीनों में 70S राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और प्रोकैरियोट बैक्टीरिया, तीनों में सर्कुलर डीएनए, 70S राइबोसोम, एक सिमिलरिटी है। एक मिनट को, यूटीआई जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन को बोलते हैं यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन, ये बैक्टीरिया से, इकोलाई बैक्टीरिया से हो जाता है जो। तो इसको मैं यही रोक रहा हूँ, उस वीडियो को जो है।